मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के नौजवानों से एक प्रॉमिस किया था कि उन्हें रोजगार दिया जाएगा, और इस कड़ी में हम कह सकते हैं लगातार रोजगार दिया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि 43,000 से ज़्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं, और इसी कड़ी में आज 443 और नौकरियां दी जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त कनक सिंगला हैं, जिन्होंने इस सवार का जो पेपर था वो उसे क्लियर किया है और उसमें रैंक वन हासिल किया। कनक, पहले तो एग्ज़ाम के बारे में बताओ, एग्ज़ाम कैसा था, उसके बाद अब रैंक वन हासिल हुआ है, तो आज खुद मुख्यमंत्री आपको नियुक्ति पत्र देंगे, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। मैं कनिक सिंगला, मैं मानसा से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी सेकंड नौकरी है, मेरे को सेकंड टाइम नियुक्ति पत्र मिला है। पहले मेरे को 2023 को मिला था, 18 मई 2023 को, एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट लीगल ऑफिसर इन पंजाब पुलिस। अब मैं फर्स्ट रैंक लिया है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में, और इसमें अकेली पेपर ही था, इंटरव्यू ख़त्म कर दी थी मान सरकार ने। कनिक, दूसरा सवाल ये है, एक प्रॉमिस था लोगों से कि नौकरियां दी जाएंगी, तो आज दूसरी बार नौकरी मिल रही है, कैसा लग रहा है? और जो वादा किया था वो लगता है पूरा हो रहा है कि लगातार नौकरियां आ रही हैं? क्योंकि आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपको हमसे ज़्यादा पता होता है कि पेपर एक निकल रहे हैं पेपर्स। सर, हमारे लॉ फील्ड में ना 7 कैडर में पोस्टिंग होती है। एक लीगल क्लर्क होता है, लीगल कांस्टेबल होता है, असिस्टेंट लीगल ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है, और जुडिशरी का पेपर होता है। और एक साल में 7 में निकल गई हैं पोस्टें। ये पहली बार ज़िंदगी में हुआ है कि 7 फील्डों में पोस्टें एक बार में निकल जाएं। पर पहले तो हमने कभी लीगल क्लर्क का, लीगल कांस्टेबल का या असिस्टेंट लीगल ऑफिसर पंजाब पुलिस में सुना ही नहीं था कि ये पोस्टिंग भी आती है। ये मान सरकार ने पहली बार इनिशिएटिव लेके लॉ फील्ड में इतना बेहतर काम किया है। पहली बार वकीलों की बात सुनी गई है, हर एक वकील को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिला है। जो लीगल क्लर्क लगने वाला था लीगल क्लर्क लगा है, और पहली बार इन 5,000 के आसपास नियुक्तियाँ आई हैं, और 5,000 ही क्वालिफाई करते हैं एक साल में। तो यहाँ पे हमें और भी नौजवान खड़े हैं। सर, आपका नाम? मेरा सुखप्रीत सिंह। सुखप्रीत, कैसा लग रहा है, एक वादा किया था मान सरकार ने नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएंगी, वो मिल रही हैं आज, तो आप उन कुछ चुनों में से जिनको नौकरी मिल रही है, तो पहले लग कैसा रहा है, और वादा जो है वो पूरा होता हुआ नजर आया, क्योंकि आप देखते हुए आए यहाँ तक? जी बिल्कुल, देखिए जो भी हमारी, मैं एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ज्वाइन करने जा रहा हूँ आज, और पहले मैं असिस्टेंट लीगल ऑफिसर था पंजाब पुलिस में। और हमको एक नई होप मिली है कि जो भी काम हो रहा है आज, जो भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी से, कोई इसमें किसी प्रकार की, कोई एक रुपया हमें देना नहीं पड़ा, और किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस खुद की मेहनत है, पेपर दिए और बिल्कुल पारदर्शिता से हमारे रिजल्ट आए और हम सिलेक्ट हो गए। सर, बात करें, पहले चीज़ बहुत होती थी, पेपर क्लियर हो जाता था पर नियुक्ति पत्र नहीं मिलते थे, कई चीज़ें कही जाती थी, या सीधे कहें कि बिना पैसे के वो नियुक्ति पत्र हाथ नहीं आता था, चाहे बच्चा कितना ही क्वालिफाई कर ले, वो कहीं नहीं नज़र आया। किसने कोशिश भी की आपको पैसे मांगने की? नहीं नहीं जी, बिल्कुल 1% भी हमें, मेरा अकेले का नहीं, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, किसी के साथ भी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे पेपर क्लियर किया आपने, मेरिट में रैंक लिया, और यहाँ पे आज आप क्या नियुक्ति पत्र में? आज मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो भी हम मेहनत करते हैं उसका एक ना एक दिन आगे जाके मूल जरूर पड़ता है। और बाकी इसमें जो भी हम सिलेक्ट हुए हैं, इनमें हमारा अकेले का नहीं, हमारे घर वालों का, उस वाहेगुरु का, सबका बड़ा धन्यवाद है, सबका बड़ा रोल है। सो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी मेहनत जारी रखिए, कुछ तो सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ रह गए हैं, वो भी अपनी मेहनत जारी रखिए, वाहेगुरु मेहर करेंगे, आप भी जल्दी ही यहाँ पर होंगे। आप देख सकते हैं और भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, आपका नाम? करमजीत सिंह। करमजीत, कैसा लग रहा है आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है, खुद मुख्यमंत्री देने आ रहे हैं, पहले तो माहौल कैसा है, और अब जो नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो फील कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल बड़ा अच्छा है जी, आपके सामने ही है सब कुछ, बड़ा पॉजिटिव है, तो अब वेट कर रहे हैं बस। प्रोसेस कैसा था यहाँ पर? कई बार होता है पहले पेपर ही नहीं आते थे, पेपर हुआ है, सिलेक्शन भी हो चुका है, तो पूरा प्रोसेस क्या लगता है पहले सरकार में और इस सरकार में फ़र्क आया नियुक्तियों में, ज्वाइनिंग्स में और नौकरियां देने में? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये खुद ज्वाइनिंग लेटर दे रहे भगवंत मान, ठीक है, सीएम हमारे पंजाब के। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले क्या होता था, पोस्ट निकलती थी, ठीक है, फिल हो जाती थी, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलते दो साल, ठीक है ना, सब कुछ डिले होता था, आपको पता है, सब कुछ रिश्वत भी चलती थी, सब कुछ चलता था बस। बट ये हमारा जो हुआ है, देखो सारा मतलब कि 100% फेयर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मेरिट मेरिट के आधार पर। यादविंदर, यादविंदर कैसे देखते हो आज नियुक्ति पत्रों में? इस सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, कहीं पे भी लगा किसने भी आपको पैसे मांगने को? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फेयरेस्ट प्रोसेस था। अगर मैं कहूँ कि इतना क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने लाइफ का ये पहला पेपर दिया था,
मेहनत करके दिया वही क्लियर हो गया। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। बिल्कुल हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये आया। और साथ के साथ ये भी है कि सरकार का ये नहीं है कि एक पेपर हो गया उसके बाद और नहीं है, सरकार के चलते चलते और एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है, लाइक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बच्चों को। आपकी लाइन में ही हम कहें और अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्स आ रहे हैं लगातार स्ट्रीम। पीछे जुलाई में एक पेपर ओके हटा, लॉ ऑफिसर्स रखे गए थे हमारे लीगल फील्ड में, इसकी तरह ही जॉब्स आ रही हैं हमारे फील्ड में भी आ रही हैं। बिल्कुल 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 खुला। विक्रांत गोयल। विक्रांत, कैसा लग रहा है पूरा प्रोसेस यहाँ पे? आज हम कह सकते हैं खुद नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे, खुशी हो रही है यहाँ पे, अपनी मेहनत पे हम लगे हैं, पूरा मेरिट पे, पूरी मेरिट पे हमारे को मिली है, पूरा फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी रही है यहाँ पे, मतलब खुशी है पूरी, अपनी मेहनत की है और वो हमारे उसका सफलता मिली अपनी मेहनत की। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रही, कहीं पे लगा पैसे पूसे मांगे किसने कोशिश की पेपर में कोई स्ट्रीमलाइन में कोई दिक्कत कहीं पे कोई नहीं, कहीं पे भी 1% भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कि हम कहें कि किसी ने कोई पैसे की डिमांड करी या कुछ हुआ। फ्री एंड फेयर हुआ, हमारा पेपर हुआ, उसके बाद हमारी मेरिट आई तो हमारा उसके बाद फिजिकल हुआ। फिजिकल में प्रॉपर कैमरे लगे हुए थे, जैसे सेंसर वगैरह भी यहाँ पे लगे होते, प्रॉपर शीट वगैरह थी, सारा कुछ वैसे था। कह सकते हैं कि दो चीजें थी, एक नौकरियां मिलनी थी और उसके बाद वो नौकरियां फ्री एंड फेयर मिलनी थी, वो दोनों चीजें पूरी होती हैं। हाँ जी, दोनों चीजें पूरी नजर आई हमारे को यहाँ। सर, आपका नाम और आपको इसमें मैं एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ पंजाब पुलिस में, माय नेम इज हरजीत सिंह एंड आई एम पोस्टेड इन फतेहगढ़ साहिब। सर, कैसा लगा अरजीत फिर ये पूरा प्रोसेस, क्योंकि हम बोलते पंजाब पुलिस की नौकरी पाना बहुत मुश्किल पहले माना जाता है, पहले तो नौकरियां नहीं आती थी, अब नौकरी आई है तो प्रोसेस कैसा रहा? प्रोसेस बहुत फेयर था, बहुत ट्रांसपेरेंट था, प्रोसेस बहुत अच्छा था, सब कुछ टाइम पे हुआ, बस ये जॉइनिंग लोकसभा कोड ऑफ कंडक्ट करके लेट हो गई, बट वैसे सब कुछ ठीक था। कहते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप जो चला वो प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइन था, हमें कहीं डिले नहीं आया, ज़्यादा डिले नहीं आया, जो एक वो होता है और हर टाइम अपना प्रोसेस लेती है, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, ऐसे तो है नहीं कि एक ही आ रही है, बहुत सारी भर्ती आ रही, तो हर चीज़ अपना टाइम के साथ आती है और बहुत अच्छे तरीके से आती है। मतलब ये एक वादा किया था मान सरकार ने कि 43,000 नौकरियां से ज़्यादा हम क्या नौजवानों को नौकरियां देंगे, वो नौकरियां मिल रही हैं और लगातार हम कह सकते हैं आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज जॉइनिंग लेटर लेने आए हैं तो ज़रूर लग रही है, आगे भी इंशाल्लाह लगेगी और लोगों की। थैंक यू वेरी मच। तो आगे चलते हैं, पेरेंट्स भी हैं, उनकी तरफ भी हम चलते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, हर कोई यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए आया हुआ है, कि हम चलते हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जैसे हम कह सकते हैं आज उनके बच्चों को ये नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, वो हर एक ओपिनियन हम कह सकते हैं कि लेते हुए नज़र आएंगे। नमस्कार सर। सर, आपका मेरा बच्चा है उनको मिली है। किसको नौकरी मिली है सर? ADA सुनिए। हाँ जी सर, उनका नाम क्या है? आशु सलारिया उनका नाम है। सर, आज नौकरी सरकारी नौकरी मिली है, खुशी तो बहुत होगी हम कह सकते हैं, जब बच्चा मेहनत करता है नौकरी मिलती है तो अच्छा लग रहा है, तो खुशी बहुत है। बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी। प्रोसेस का क्या कहेंगे, लगा बिल्कुल फ्री एंड फेयर इस बार हुआ सारा? हाँ सर, प्रोसेस भी अच्छी है, फेयर सिलेक्शन हुई है, दूसरी पार्टियों से या दूसरी गवर्नमेंटों से सिर्फ एक ही डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नौकरियाँ तो वो भी देती थी, जाते हुए दी देती थी वो भी, लेकिन इनमें जो फ़र्क है ये बिना किसी पैसे के देते हैं ड्यूटी, सिर्फ यही नहीं जो तो अभी मिल रही हैं ADA की ये जो मिल रही हैं, इसके अलावा भी जो इनसे पहले हुई हैं टीचर्स की, लॉ अफसर की, हमारे जैसे पठानकोट से काफ़ी लोग बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और सब हम पूछते रहते थे भाई कैसा है, तो बोलते नहीं अभी कोई ब्राइब नहीं है, बिल्कुल फेयर। नौकरियों का पिटारा था, नौकरियां भी ईमानदारी से मिली। पहले क्या ना किसी एक को बोल देते थे तुम्हारे एरिया में पड़ती है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है सिलेक्शन करना या देना, लेकिन अभी कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल फेयर है, बिना पैसे के। बच्चे ने पेपर दिया, मेरिट पे क्लियर किया और अब नौकरी मिल गई। हाँ जी, कोई पैसा नहीं खर्च हुआ है, वो यही एक डिफरेंस मेरे हिसाब से, यही एक डिफरेंस है जो दूसरों से इसको अलग करता है। चलिए आगे चलते हैं। नमस्कार सर। सर, आपके किस बच्चे को सिलेक्शन मिली है? हमारी बेटी को मिली है। सर, कैसा लग रहा है बेटी को आज हम कह सकते हैं कि नियुक्ति पत्र मिल रहा है मुख्यमंत्री से, फील कैसा? तो बेटी को नौकरी मिली उसकी खुशी बहुत होगी। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। तो सर, आज मुख्यमंत्री देने आ रहे हैं तो क्या कहेंगे इसके लिए, कि प्रोसेस को देखकर क्या कहना है, कि ईमानदारी से बिल्कुल ठीक प्रोसेस? बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से। कहीं किसी ने आपको कोशिश की आपसे पैसे मांगने की? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं जी, ये सरकार में हमारी बेटी को दूसरी नौकरी है, पहले ही मेरी बेटी कर रही है असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की, अब उसका ADE का क्लियर है आज जो इसको नियुक्ति पत्र मिला। लगातार नौकरियां मिल रही हैं। हाँ, इसी सरकार में दूसरी बार नौकरी अब मेरी बेटी को मिल रही है। हाँ हाँ जी हाँ जी, बच्चा क्वालिफाई करता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चलते हैं।
यहाँ पे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पेरेंट्स में खुशी है, बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, हम उनसे ही बात करते हैं, आए हैं। नमस्कार, हेलो सर। सर यहाँ पे किसके साथ आए हैं आप? मैं अपनी असिस्टेंट लॉज के साथ आया। अच्छा, उनको नौकरी मिली है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। सर किस में मिली है? ADA। हाँ जी। तो सर कैसा लग रहा है आज देख के? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। तो पूरी फैमिली आई है, पापा वगैरह सब आइए, उनसे ही बात करते हैं। माता जी, बेटी को नौकरी मिली है, कैसा लग रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया लगता। हाँ जी, हाँ जी। तो पेपर मतलब किसी क्वालिफाई करके कहीं पैसा कोई खर्चा तो नहीं करना पड़ा नौकरी दिलवाने के लिए बेटी को? नहीं नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से होगी। हाँ। बापू जी कैसा लग रहा है आज बेटी को? खुद मुख्यमंत्री देने आ रहे हैं आज। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैसा है? नौकरियाँ का उन्होंने वादा किया था, नौकरियाँ देंगे, नौकरियों की झड़ी लग गई फिर? हाँ जी, मिल रहे लगातार। हाँ जी, हाँ जी। जितने भी लोग हैं, एक वादा था हम कह सकते हैं, 443 नौकरियां आज हम और दी जाएगी, 43,000 से ज़्यादा नौकरियां हो चुकी हैं और ये आंकड़ा लगातार हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक वादा किया था कि मैं पंजाब के नौजवानों को रोज़गार के मामले में कहीं पर भी पीछे रहने नहीं दूँगा और जितना हो सके अपनी तरफ से उन्हें पूरा रोज़गार में सपोर्ट करेंगे, और वो चीज़ वो अब लगातार नौकरी देकर पूरा करते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन हैप्पी के साथ फिल्लौर से हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।